बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं हूँ गुलफाम अली हुसैनी और आप देख रहे हैं एक्यू टीवी। नाज़रीन इकराम, मुझे बहुत सारे मेरी बेटियों के, मेरी बहनों के, माओं के फ़ोन आते हैं कि जी हमने सारी ज़िंदगी मेहनत की, कोशिश की, तो हमने अपना ज़ाती घर तामीर किया है, तो इसमें शिफ्ट होने से पहले कोई अमल करना चाहते हैं आप आएं। तो नाज़रीन इकराम, मैं चूँकि कुरान के हरूफों की तहकीक में, इसके असरार में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होता हूँ, तो नाज़रीन इकराम, मैं उनके लिए अमल लेके हाज़िर खिदमत हूँ कि वो ये अमल कर सकते हैं कि अल्लाह का एक इस्म है या वालियो। नाज़रीन इकराम, वाओ, अलीफ, लाम और छोटी ये, यानी चार हरूफ हैं ये। वाओ से इब्तदा है, अलीफ दोयम हरफ है, लाम सोयम है और या चार हरफ है। इसके अदाद लेंगे वाओ के 6, अलिफ का 1, लाम के 30 और छोटी ये के 10, यानी 47 का अदद आएगा। 4 जमा 7 तो 11। 11 अदद नाज़रीन इकराम ये हो का अदद है, अल्लाह हो, यानी हो का अदद भी 11 है। और 11वां हरफ काफ है और काफ आपको हरफ मकान में मिलेगा। काफ को ही हम गाफ में बदलते हैं क्योंकि गाफ अरबी ज़ुबान में नहीं है, पूरे कुरान में हरफ गाफ नहीं आया, हम गाफ को काफ में बदलते हैं। तो काफ को जब गाफ में बदला तो गाफ भी 11वां हरफ हुआ, ये घर का हरफ है। तो नाज़रीन इकराम, अमल क्या है कि आपने जब भी नए मकान में या दुकान में शिफ्ट होना है तो आपने एक पानी के बर्तन, बर्तन में पानी लें, उसमें आपने 3 मरतबा सूरह तौहीद, सूरह इखलास पढ़ के आपने या वालियो, या वालियो, या वालियो 313 मरतबा आपने दम करना है और उस मकान में, उस दुकान की चारों कोनों में आपने उस पानी को छिड़क देना है। और नाज़रीन इकराम, सदका खैरात देकर शिफ्ट हो, अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन सुमा आमीन वरबुल आलमीन।